जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉफ़ी पेन में। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग भूगोल की क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक, तो ये क्लासेस हम लूसेंट की बुक से कवर करेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, चाहे वो विश्व भूगोल से संबंधित हों या भारत के भूगोल से, दोनों को हम ज्योग्राफी के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले भी कुछ टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन पर, कुछ परिभाषाएं हैं और ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या है, इनकी बात करेंगे। तो आई होप आप वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो सीरियल वाइज आज हम लोग पढ़ेंगे, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास में जो तीनों पार्ट हैं, ठीक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की, एक सामान्य परिचय संक्षिप्त में जानेंगे, और जो भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहेंगे वो हम चर्चा कर लेंगे। तो भूगोल, तो आप लोगों ने भूगोल नाम तो काफ़ी सुना होगा, जब आप क्लास 6th 7th में रहे होंगे तब सुना होगा, ठीक, या उससे पहले भी सुना होगा। तो तब हम एक अर्थ निकालते थे भूगोल का, कि भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, पृथ्वी क्या है, गोल, और यही है हमारा भूगोल। लेकिन वास्तव में क्या पृथ्वी गोल है? अब आप तो इसके बारे में जानकारी हो गई होगी, तो आप कहेंगे नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है, ये क्या हुआ, अपने अक्ष पर चपटी हुई है और अपने अक्ष पर झुकी हुई भी है, ठीक, तो कैसे गोल हो गई? तो जानेंगे कि भूगोल का मतलब क्या है। बाकी पृथ्वी है गोल, यही हमारा भूगोल, ये बचपन के लिए ठीक था, लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा और जो चीज़ें वास्तविकता में है उनको ही लेकर चलना पड़ेगा, और अपने ज्ञान में उन्हीं चीज़ों को ठीक रखना पड़ेगा जो चीज़ें वास्तव में हैं। तो चलिए सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग जो है वो इरेटोस्थेनीज ने किया था। ये कौन थे भाई साहब? तो ये भाई साहब एक ग्रीक विद्वान थे, ठीक, और यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द, देखो ज्योग्राफी मतलब जियो, ठीक, जियो मतलब पृथ्वी होता है, और ग्रैफोस मतलब वर्णन करना, से प्राप्त होता है। तो जियो और ग्रैफोस दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ क्या बनता है कि पृथ्वी का वर्णन। अब देखिए ज्योग्राफी में हम लोग पृथ्वी का ही वर्णन करते हैं, पृथ्वी पर जितनी चीज़ें भौतिक रूप से होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और पृथ्वी से बाहर जो ब्रह्मांड हो गया, सौरमंडल हो गया, ठीक है, उल्का पिंड, मतलब इन सब की भी जानकारी करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, ठीक। सेकंड है कि भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है वो यूनान के निवासियों को जाता है। अगला पॉइंट है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ते हैं। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस, ठीक, हिकेटियस ने किताब लिखी थी जस पीरियोडस, और इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन, ठीक। जस पीरियोडस का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन। तो इसी में सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया, ठीक। इसके बाद अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली, कि अब भाई भूगोल का जो अध्ययन है वो स्वतंत्र रूप से एक अलग विषय के रूप में किया जाएगा। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। अब इन्वायरमेंट का अध्ययन कहीं ना कहीं हम ज्योग्राफी में भी पढ़ लेते हैं, सब सारे सब्जेक्ट इन्वायरमेंट ज्योग्राफी मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, ठीक, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनकी क्या हुई भाई? भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक अध्ययन के रूप में विकसित हुआ, और दो विचारधाराएं थी। पहली तो संभववाद थी, अब देख लेते हैं संभववाद,
क्या है ये सब एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, बस जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं, आप भी पढ़ लीजिए। तो संभववाद के अनुसार, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के कुछ समर्थक भी हैं, जैसे भूगोलवेत्ता वाइडल, डीला, ब्लास और फैब्रे। इसके बाद निश्चयवाद भी है अगला। ठीक, संभववाद तो आप लोगों ने देख लिया, संभववाद। दूसरा क्या है? निश्चयवाद। तो निश्चयवाद में क्या है कि इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, मतलब जो भी काम मनुष्य के होते हैं उनका जो निर्धारण है वो पर्यावरण करता है, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्व कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के भी समर्थक हुए, जैसे रीटर, रैटजेल। ठीक, और ये क्या थे? नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सैंपल और हॉटिंगटन। तो ये इस विचारधारा के समर्थक थे, कुछ संभववाद के थे, ठीक, और कुछ निश्चयवाद के। निश्चयवाद कहते थे कि मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, वहीं संभववाद के अनुसार क्या था कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। अब भूगोल की कुछ परिभाषाएं भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिनका पता होना आपके लिए ज़रूरी है, तो इनको अगर आप याद कर सकें तो बिल्कुल याद कर लीजिए। जैसे भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो भूगोल का जनक जो है वो हिकेटियस को कहते हैं। वहीं अगर वर्तमान भूगोल की बात हो तो वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीस को बोलते हैं। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को बोलते हैं। ठीक, सांस्कृतिक भूगोल का जनक जो है कार्लो सावर को बोलते हैं। गणित भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमिंडर को बोलते हैं। विश्व ग्लोब के निर्माता किसको कहते हैं? मार्टिन बहम। और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता किसको कहते हैं? एनेक्सीमिंडर को कहते हैं। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो को मानते हैं। तो शुरुआत के भूगोल का जनक नॉलेज के लिए आप याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम कुछ भूगोल की परिभाषाएं भी जान लेते हैं और इसी के साथ अपने वीडियो को अंतिम दिशा भी देते हैं, क्योंकि सामान्य जानकारी में भी आप इतना ही पढ़िए भूगोल के बारे में जब पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रैबो, अभी आपने इनका नाम सुना है, देखते हैं ये क्या कहते हैं भूगोल के विषय में। तो बोलते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। ठीक, तो ये स्ट्रैबो ने कहा। सॉरी, अगली परिभाषा जो है वो क्लैडियस और टॉलमी ने दी है। ये क्या है? ये कहते हैं कि भूगोल जो है, भूगोल पृथ्वी की झलक को, ठीक, भूगोल जो है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। इसके बाद कार्ल रिटर क्या कहते हैं ये भी देखते हैं। ये कहते हैं भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा कार्ल रिटर ने दी है। अब नेक्स्ट और लास्ट है आर्थर होम्स की परिभाषा। इन्होंने कहा है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो अनेक विद्वानों ने अपने अनुसार जो जानकारी इकट्ठा की उसी के अनुसार अपनी अपनी परिभाषाएँ दी। ठीक, और आप लोगों ने यहाँ पे भूगोल शब्द के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही है और कल हम लोग ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है और वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो कंटिन्यू मिलेंगी और अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम आपको एक्स्ट्रा या फिर इकट्ठा बर्डन ना पड़े कि आप पढ़ ही ना पाएँ। अभी तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो सही रहेगा, और आगे आपकी पेट का एग्ज़ाम भी होने वाला और आगे भी अन्य एग्ज़ाम होते रहेंगे और जीएस सब में आती है। ठीक,
तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।